ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। दिल्ली में पंथक अकाली लहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मौका था पंथक अकाली लहर दिल्ली के यूथ विंग की टीम की अनाउंसमेंट का। इस दौरान पंथक अकाली लहर के कर्ता धर्ता जथेदार भाई रंजीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और यूथ विंग के बारे में बताया। आज आप सारे लोग बहुत खुशी नाल दसन दी खुशी हो रही है कि साडे पंथक अकाली लहर दिल्ली स्टेट की यूथ विंग की टीम अनाउंस हुई है, जिदे विच साडे सरकार जो मान जो प्यारे छोटे वीर सरदार हरप्रीत सिंह जी होना प्रधान पंथक अकाली लहर यूथ विंग दिल्ली स्टेट थापिया गया। नाल ही उन्होंने खब्बे पासे ने साडे वीर श्री अगरपाल सिंह जी जो मीन प्रधान थापे गए ने, पेशे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने और बहुत वधिया काम उन्होंने कौम लिए पहले भी किया है, खास तौर से यंगस्टर्स सिख बच्चियां नू इंप्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डिवेलपमेंट वास्ते। मेरे नाल हैगे ने साडे नवे मीन प्रधान पंथक अकाली लहर दिल्ली स्टेट यूथ विंग दे सरदार मनदीप सिंह जी छटवाल, जिन्होंने बहुत सालों तू कौम की सेवा की और हर मोर्चे थे, मतलब जिन्हों कहते ना अक्रॉस डिफरेंट एरियाज के अंदर काम किया और एक बड़ी अच्छी सोच लैके पंथक अकाली लहर दिल्ली स्टेट यूनिट नाल जुड़े ने एज ए वाइस प्रेसिडेंट। उस तो बाद साढ़े बहुत मेहनती गुरु घर नाल जुड़े हुए बहुत साल सेवा कर रहे हैं, गुरु घर की मर्यादा समझते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा समझते हैं। सरदार रविंदर सिंह जी जॉइंट सैकटरी पटेल नगर तू, इन्हों जीवन बहुत ज्यादा लोगों काम करके इन्हों तजर्बा भी है, गुरु घर की सामभ बारे समझ भी है और एक अच्छी सोच न यूथ नैके तुरना चाहते हैं, जिदे जोड़ा अज दिल्ली का बच्चा गवाच रहा है कि असी जाइए कितने, साढ़े गुरु घर करप्ट हो गए हैं, साढ़े को अपने स्कूल नहीं रहे। यह सारी टीम मैं आस है थोड़े तो सारे ब्लैसिंग्स के नाल बहुत वधिया काम करेगी, क्योंकि इन्हों का टीचा सिर्फ इलेक्शन या पोलिटिकल होना नहीं है, इन्हों का टीचा सेवा करना और इन्हों का टीचा सिर्फ ये नहीं है कि असी अपने नाम बना है, बल्कि असी अपनी कौम को जिहड़ी दुविधा में साडे बच्चे ने खास तौर पर यंगस्टर ने उन्होंने इस दुविधा को कढ़ के गुरु साहब न गुरु ग्रंथ साहब नाल पंथ नाल जोड़ना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यूथ विंग के नव निर्वाचित सदस्यों ने इस दौरान क्या कुछ कहा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मनदीप सिंह चौहान जी अज पंथक अकाली लहर पार्टी दिल्ली स्टेट यूनिट के यूथ विंग का जोड़ा गठन हुआ तो दास को एज अ वाइस प्रेजिडेंट की जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं धनवाद हाँ बहुत भाई रंजीत सिंह जी का जेडे कि कौमी प्रधान ने पंथक अकाली लहर के और सारे दिल्ली यूनिट की जी टीम है उन्होंने, मेरे बड़े भरा सरदार हरप्रीत सिंह जी का नाल सारी जी टीम है धनवादी हाँ और मैं सारे मीडिया का धनवाद करता जोड़ा कि अच्छे पहुंचे ने उन्होंने जी सा दिल्ली की नवी यूनिट बनी है उन्होंने एक चंगे मकसद और एक चंगी सोच का जोड़ा पहरावा जी सारी संगत तक पहुँचाओ। तो मैं अपनी यूनिट की टीम वालों सारे यही बेनती करता कि जो अज तक का काम या जो करप्ट सिस्टम सारे देखते आ रहे हैं, अच्छ अगर पार्टी ने साड़ी जिम्मेवारी एज ए यूथ और नाते लगाई है, नाल ही इस करके भी उन्होंने सामने इस काम के लायक समझा है, क्योंकि बहुत सालों तो अलग अलग किस्म देवाव दिल्ली लैवल से सारे वीर जोड़े हैं वक् वक् अपने किस्म के नाम सीनियर पेशेंट बिजनेसमैन ने ये अपने इलाके के सेवावान अपने गुरु करपति दे रहे हैं, एम जी सी ए ने यह अपने इलाके में सुप्रीत वीर जी की बहुत सारी एन जी ओ के नाल अपनी साझ हैगी है, ब्रदरस एन जी ओ के नाल इन्होंने सिर्फ दिल्ली नहीं संभाला हिंदुस्तान की वक् वक् कोनिया के जाके सेवावान अपनी दी रहे हैं, चाहे वह किसी भी किस्म की किसी को लोड़ पी है। तो दास मनदीप सिंह चौहान के साढ़े बारे भी सारी संगत जाणू है कि किस किस्म की सेवावान संगत को सामने अगर रिक्वायरमेंट आई है तो असी उन्होंने सेवा करम के राज्य भी बनी है, भावें वह एजुकेशन का काम है, भावें वह हेल्थ का काम है, भावें वह किसी की जॉब से इंप्लॉयमेंट की गल है, तो अपनी तरफों कोशिश असं ये कर पाए। अच्छ सू है माण
पंथक अकाली लहर ने इस करके दिता है क्योंकि बहुत सारिया सेवावान वक् वक् तरीके सारी युवक वीर अपनी जिम्मेवारी करते आ रहे थे, लेकिन हूँ जब कट्ठे सांझ पे कि साड़ी असी अपनी कौम वास्ते जो भी मैं चढ़ के सेवावान कर पावे वो कोशिश करेंगे कि चंगे और सारे की सलाह करते वधिया युवा इलेक्शन की वोट देने आए अगे जो कि करोगे। देखो जी वही वाली गल है कि सारे युवक जोड़ा है वो अपना कुछ भी काम करने तो पहला या कुछ चीज़ें पिछले पहले अपना फायदा देखता कि सानू आने वाले टाइम के मिलेगा तो साड़ी बदकिस्मत ही रही कि जोड़े भी करप्ट सिस्टम है गुरुद्वारा कमेटी उन्होंने यूथ को कोई चांस ही नहीं दिता, उन्होंने यूथ को अगर आने नहीं दिता क्योंकि यूथ आएगा यूथ अपने हक मंगेगा, हक नहीं मंगेगा तो एटलीस्ट गलत नहीं होंगे कि असी जिहड़ा इन्होंने करप्ट सिस्टम के गलतियां कीतियां ने या इन्होंने जिहड़ियां सारिया चोर चकारी किए ने सारी सिद्ध जाणू है, लेकिन हुण किते ना किते यूथ जिहड़ा जागरूक है वोटां भी बनणगियां तुहाडे सामने वोटां पैणगियां भी ते तुहाडे सामने बड़ा एक उम्मीद कर रहे हैं कि सारिया के नाल मिल जुल के एक वधिया जिहड़े चरित्र वाले वधिया करैक्टर वाले जिहड़े साडे मैंबर ने वो अगे आउण और सेवा निभाउण। घट तो घट यूथ विंग किन्ने यूथ नूं टिकट देगा? असी बैठ के सारे वीर सलाह करांगे ते जिहड़ी साडी पार्टी साडी गाइडेंस और सारिया की सांझ होएगी, कोशिश यही है कि जल्द तो जल्द पूरी दिल्ली लैवल से पूरे वार्ड लैवल से यूथ की जिहड़ी कमेटियां गठन होणगियां ते सानू पूरी आस है कि संगत साडे ते विश्वास करेगी और पंथक अकाली लहर नूं होर मजबूत करेगी। यह जो हम बनाया है नया ये हूँ किस तरह पदाधिकारी किस तरह बनेंगे, किस तरह तुम ग्राउंड लैवल तक पहुँचोगे? अज जी स्टेट टीम का गठन हो गया, हूँ असं वार्ड टीम के उत्ते काम करना स्टार्ट करा तो पदाधिकारी नियुक्त करते जावे जी संगत की सहमति ज़्यादा अच्छा काम करता होगा जी संगत नियुक्त करेगी उन्होंने असं अगे लियावे तो जिम्मेदारियां थोपते जाएगी। मेन मुद्दे की रह साडा जी मेन मुद्दे अगर मैं यूथ अपनी गल करा साडा मेन फोकस उही है जिहड़ा मैं अज दर्द देख रहा कि बच्चों को स्कूल के फीस भरन के पैसे नहीं है, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल खराब होया पे बच्चे अगर बीमार हो रहे कोई बीमार हो रहा है कोरोना की महामारी जी चल रही थी वह भी जो अभी वेख्या वो मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों के तो असी यूथ एम्पावरमेंट जो सा मेन मकसद रहा है इसी करके असी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो नारगढ़ ने मनदीप सिंह शुरू तो ही काम लग्या हो मैं देखता रहा डेली एक्टिविटीज तो उही अगर मैं रविंदर सिंह जी की गल करा असी सारा का जी सोच आ जोड़ा एक असी सोच को लैके असी अगे चल रहे हैं वो है ही है यूथ एम्पावरमेंट बच्चों की एजुकेशन उन्होंने हेल्थ सिस्टम रोज़गार उन्होंने सिक्खी ना जोड़ के किए रखे यह साढ़े मेन मुद्दे में जिन्हों के उसे काम करा। किसानों का बहुत वड्डा मुद्दा चल रहा है बोले जा रहे पंजाब तो ही आए ने या हरियाणा तो है थोड़े तो हूँ जिम्मे सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वेद अपना दखल दिता है वे हूँ तुम कि ठीक समझते और की कर अपना हक मंगना सारे का एक राइट है तो वो अपने हक की आवाज़ चुक रहे हैं असं पूरा उन्होंने समर्थन देते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर कर रही है सरकार कर रही ने मैं अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो मैं जबरदस्ती नहीं दे सकते जो अपना हक मंगने लिए बैठे ने मैं लगता है सारी मीडिया हर बंदा अगर सपोर्ट कर उसे जा रहा है इन्ना बंदा गलत नहीं हो सकता पर जिवें सुप्रीम कोर्ट कह रही कमेटी बनाई जाए और जिहड़ा दिल्ली के लोगों का हक छिनिया जा रहा है कि उन्होंने मौलिक अधिकार आना जाना सब बंद हो रखे है वो रिलीफ किया जाए सर उन्होंने हक मिले तो फैसिलिटी हो जाएगा किसी को किसी का हक नहीं दे रहे तो वह बंदा परेशान है कल पता मेरी जमीन चलिया जाएगियाँ मेरा रोजगार खत्म हो जाएगा तो उन्होंने वैसे ही नज़र आ रहा मेरा अगला फ्यूचर भी खत्म है तो मेरा प्रेजेंट भी खत्म है और सरकार बार बार जो कि बुला रही है कि भी आके गल करो सब चीज़ करो असी गलबात चल रही है सर तुम वेखिया होना मीडिया चल रहा है गलबात हो रही है वो सरकार ने लंच ऑफर किया अपना लंगर लैके गए हैं उसे देखिए तो बहुत न्यूज़ के विचकार मीडिया के वायरल हो चीज़ें गलबात चल रही है बट गलबात के नाल अगर कोई रिजल्ट नहीं निकले तो उत्थे ते फिर वो बैठणगे टिल द टाइम कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ सामने नहीं आती जो गलबात गलबात ही रही उसका कोई रिजल्ट नहीं निकले। अच्छा हूँ जिवें अगले साल दिल्ली प्रबंधक कमेटी के भी चुनाव की तुम तैयारी कर रहे हो की चीज़ देखते हो कि किस तरह सद्भावपूर्ण तरीके नाल हो जाए किस तरह अगला जरा इलेक्शन दिल्ली च है सद्भाव नाल हो जाए कोई वो ना हो सर यही साडा मकसद है ही है आप ना तो देखो जी वो चेहरे ने ना अभी शराब बन सकते हैं
ना असं बदमाश रख सकते। असी सर्वसम्मति दे नाल प्यार नाल जिन्ना आराम नाल इलैक्शन करवाना है उसी संभावना दे नाल असी अगे भी चलना है, उसी शांति प्रिय व्यवहार नाल असी लोगों को अप्रोच करना है, उन्होंने अपील करनी है, उसी व्यवहार नाल असी चुनाव करवाना है। असी वो लोग नहीं है कि मैं पांच बंदे पिछे लै के चल रहा या मैं दब की पेटियां गड्डी रह के चल रहा, वो साडा ना कभी रहा ना वो अगे कभी हो जाएगा। वो चीज़ जब नहीं होंगी तो लड़ाई झगड़े वैसे नहीं होते। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਵੰਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੇਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी।